भाई मुझे इस बंदे से मिलवा दो। इस बंदे की मैं सबसे फर्स्ट वीडियो थी इस बंदे के पास गया था, है ना। ये हमें सबसे लीजेंड है, जो सबका गुरु कह सकते हैं आप इसको, है ना। कई बार ऐसा होता है गुरु गुरु हो जाते हैं, तेल अच्छी नहीं हो जाते हैं, पर सच में ये बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, है ना। उस टाइम सिचुएशन ऐसी नहीं थी, पर फिर भी देखो ये हमारे गुरु हैं, है ना, और हम इन बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इनके लिए हमारे पास शब्द है सिफारस के लिए। बहुत कुछ सीखो हमने, बेवजह नहीं इसकी कदर नहीं करी। सर वो हैं एडवोकेट हैं, वकील हैं, और मैं जैसे कुछ भी करता हूँ इधर उधर ट्रोलबाजी करता हूँ तो ये मेरे के। अच्छा यहाँ के दाम पे कर रहे तू? हम सब भाइयों का। अभी सर आप बोलिए अपने बारे में कुछ, हम आपके बारे में उतना नहीं जानते। हाँ भाई बीच में आओ, छोटे भाई पीछे हो जाओ, और अपने सॉन्ग के बारे में बोलिए। पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे थोड़ा जाओ, लेवल पे बहुत बड़े होंगे। लेकिन ब्रदर सॉरी माफ करना, कुछ लोग रह गए होंगे। कोई ना अरे वकील साहब रुला दोगे सर? सर पीछे हो जाओ मुफीद भाई, पीछे हो जाओ यार। तुम मोहन सर का पीछे चला लिया भाई, कैसे पहचानो किस कंट्रोल का चला यार? ब्रदर के भाइयों को पीछे जगह दो यार, ये हमारे गेस्ट हैं। बंद कर, पीछे जाओ भाइयों को, पूरा पूरा पीछे पीछे जाओ यार, पीछे पीछे भाई साहब, ब्रदर भाई साहब थोड़ा पीछे जाओ भाई, हमारे भाई यार सारे भाई साहब भाई दोबारा बेसिकली तो आप थोड़ा बहुत जानते ही हो, फिर भी मैं उलेटा गांव से हूँ, बट कहानी कभी मेरे बाद में। मेरे फादर साहब सेंट्रल पुलिस में वर्किंग थे, अब रिटायर्ड है, तो उनकी पोस्टिंग जब हुई चंडीगढ़ में तो मैं स्टार्टिंग से वहीं पे रहा, मेरी स्कूलिंग सब वहीं से हुई। ठीक है, थोड़ा तेज हो भाई के लिए एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कि मेवात छोड़कर यार जैसे इतने दिन पहले गए, लेकिन भाई कल्चर नहीं भूले, फिर भी मेवात ही सुन रहे हैं। मैं बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिसर भी हूँ, ऑफिसर हूँ, वेलफेयर ऑफिसर हूँ LIC लास्ट ईयर पहले ली था। बाकी सॉन्ग्स वगैरह का आपको पता ही है, तो आई थिंक ये एक साल में गैप भी रहा सिर्फ इसी करके कि वो गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। तो बाकी ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, और ये है सबसे पहले जसकरण, ठीक है। ये स्टडी के लिए आया था चंडीगढ़ में, बेसिकली चंडीगढ़ से नहीं हरियाणा में है, पंजाब, तो ये स्टडी करता है अभी वहाँ पर। ये वसीम खान स्टडी खत्म की है अपनी, अभी जॉब स्टार्ट की है इसने, ये भी वैसे ये गिरीश शर्मा, ये मैनेजमेंट देखता है मेरी सारी, ये अर्शद खान, ये चंडीगढ़ से है, ये भी स्टडी खत्म की है इसने अपनी, ये यहाँ पर त्यागी, ये त्यागी बेसिकली यूपी से है बट अभी चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ है थोड़े दिन पहले जॉब वगैरह के चक्कर में मेरे पास। ये शानू खान, ये आपने बैटिंग देखी, एक्चुअली हमारे में सिर्फ दो प्लेयर थे जो खेलते हैं लैदर से, जो खेले हैं, मतलब हम आई थिंक हमें से कोई नहीं खेला, मैं फर्स्ट टाइम लेदर से खेल रहा था, तो अच्छा टाइप भी होगा, शुक्र है। अब हम अपने बारे में नहीं बता रहे, हमारा कोई खेलने वाला नहीं, दो प्लेयर थे हमारे, एक शानू खान एक आमिर खान, ये दो प्लेयर हैं हमारे जो खेलते हैं, मतलब हर संडे लेदर से खेलते हैं। ये रिलायंस में दो मिनट में ये रीजनल हेड है अभी, ठीक है। इसके बाद विकास शर्मा, ये भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, बहुत बढ़िया भाई। और कौन रहेगा मेरा, आसिफ नायक, ये कश्मीर से है बेसिकली, सब अभी बेसिकली स्टूडेंट है, स्टडी अभी फिनिश करके अभी थोड़ा सा। हाँ कौन रहेगा मेरा, दानिश खान, और एक हनी भी है, और दानिश ये दोनों सगे भाई हैं। भाई अपने तीनों भाई मेवाती भाई है, तुम ले लो यार फोटो अपने भाई रियल ब्रदर है, वो न्यूजीलैंड है। मैं एक्चुअली हम लोग पांच भाई बहन है, सिर्फ मैं सिस्टर एडवोकेट, बाकी सब बाहर है न्यूजीलैंड, तो ये उनके दोस्त है बेसिकली मेरे भाई के बेस्ट फ्रेंड है।
भाई के बारे में, अगर आप वैसे चंडीगढ़ आओ कभी आओ, हम ये कभी भी हम किसी से बात करते हैं कुछ भी करते हैं मेवात में, अगर हल्की सी भी चीज होती है सबसे पहले खून इनका खोलता है। बिल्कुल भाई, अभी कोई पॉलिटिकल वो इश्यू हुआ था पता नहीं कुछ, वो उसमें इन्होंने दुनिया भर के फोन, दुनिया भर यहाँ पे आके भी लोगों से मिले, चीजें करी, जो भी करी, मतलब इतना पागल हो जाता है कि भाई मुझे उन लोगों के लिए कुछ करना है। अरे भाई ये मेरा कृष्णा, अरे मेवात की है हम, चंडीगढ़ में कोई इंट्रोडक्शन कैसे को नहीं है भाई, पीछे पीछे हो ना, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इन नाम से बुलाता हो, हम हर इंसान यही बोलता है भाई। ये कोई एक इंसान ऐसा मिलेगा नहीं आपको, अगर आप किसी नाम में मुफीद भी बोलोगे वो बोले मुफीद भाई, उससे ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता। और इतनी इज्जत और दिल के, और मैं कहता हूँ कि इतने लोगों को इन्होंने बसाया, कमाना सिखाया, मुझे कमाना इन्होंने सिखाया, मेरी जो जिंदगी मतलब इस लेवल का आज उनकी वजह से ही, स्टार्टिंग भी मैंने यहीं से करी थी, आज जहाँ पे खड़ा हूँ। और वहां में से काफी लोग हैं जिनकी स्टार्टिंग ही इन्होंने करवाई है, इनकी वजह से हमारे घर भी चल रहे हैं। बच्चे इनकी बोली के, इनके बच्चे की फ्री पढ़ाई शिक्षा और काला सॉन्ग रिलीज हो रहा है सर भाई का, परसों गाना रिलीज हो रहा है हम्बे। एक साल से गायब था थोड़ा सा, किसी ने बताया लास्ट ईयर थोड़ा गवर्नमेंट जॉब का, तो अब वो हो गया, अभी हम्बे हम्बे है 2 तारीख को, उसके बाद इंशाल्लाह पंजाबी सॉन्ग्स हैं, हिंदी सॉन्ग्स हैं, तो वो मेरे ख्याल 15-20 सॉन्ग्स मेरे रेडी हो रखे हैं, देखते हैं। मुफीद भाई का गाना और जो गाना आने वाला कल भाई, मुफीद भाई का गाने को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक चीज मुफीद भाई आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे आप चंडीगढ़ में रह रहे हो, हम मेवात में रह रहे हैं, तो खून तो हमारे सबको एक ही है। अगर आपको लगता है कि हम सब भाई, हम सब क्रिएटर हैं, कोई आपका काम का तो भाइयों को बुलाओ और भाइयों के साथ काम करो, ताकि हमारा आपकी नजदीकी और ज्यादा हो जाए, गैप खत्म कर। लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी किसी भी फील्ड में ना, बट जो ये कंसंट्रेशन चाहिए होती है ना, जैसे हब का है ना, सब कुछ अपने फोन सब कुछ स्विच ऑफ करके अपने काम पे, तो मैं तो चाहता हूँ मेरा मेवाज जो है ना, थोड़ा सा जब सुनने को मिलता है कि पीछे 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 तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है, तो ये थोड़ा सा हम सारे मिल के जितने भी हम लोग है ना, जो जिसको लोग देख रहे हैं, हम एजुकेशन को प्रमोट करें ना अगर, तो इंशाल्लाह हमारे मेवात में इतना टैलेंट है ना, तो यू नो जब हम किसी का भी फुद्दू बना सकते हैं, तो जब हम अपनी पे आ गए तो हम चाहूंगा हम जितने भी हैं एजुकेशन को प्रमोट करें ना, कि अगर हम पढ़ गए ना तो फिर हम जैसा कोई है ही नहीं, कोई ना पूरी तरह, वो मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी बहुत मजा आया।